नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जून जुलाई के लिए पांच महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, जो किसी भी कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो आपको सत्य नजर आएगी, ये मैं चैलेंज देता हूं। सबसे पहली चीज, ये किस आधार पर बताया जा रहा है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड मैं करने जा रहा हूं, इसको आपको समझ लेना चाहिए बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था पर एक भविष्यवाणी यहां पर बनती है। महंगाई हर तरफ रिकॉर्ड तोड़ चल रही है, चाहे वो भारत की बात किया जाए, चाहे वो अमेरिका की बात किया जाए, चाहे वो कहीं की बात किया जाए, और कई पड़ोसी राज्यों में तो आर्थिक संकट इस तरीके से बढ़ गया है कि वहाँ की बैंक जो है वो पैसे देने के लिए स्थिति में नहीं है, लोगों का जो पैसा रखी हुई है। तो इस प्रकार की जो एक प्रकार से ग्लोबल क्राइसिस आया है, इसको ग्लोबल क्राइसिस कहेंगे। और ये जो ग्लोबल क्राइसिस है, ये 2008 में जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें चल रही थी जहाँ तक मैंने अध्ययन किया हुआ है। और एक लंबा गैप लगातार शेयर मार्केट पे भी आप देखिए लगातार नीचे की ओर गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है और मेटल्स के रेट अगर आप देखिएगा तो आसमान छू रहे हैं। कॉपर का रेट जो कभी 300-400 चलता था, वो 750 तक कॉपर का रेट चला गया है। और हमारे एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में कॉपर के बारे में पूछा था, तो इसलिए भी यहाँ पर बता रहा हूँ। कॉपर ले लीजिए, चाहे गोल्ड ले लीजिए या सिल्वर, ये कमोडिटी से रिलेटेड भी भविष्यवाणी होगी, अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड भविष्यवाणी होगा, शेयर मार्केट से भी रिलेटेड इसमें भविष्यवाणी मैं करूँगा। और इसमें तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों को नोट करना चाहिए। देखिए, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो अभी शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, ये शनिदेव काफ़ी लंबे टाइम तक कुंभ में नहीं जाने वाले हैं, ये सभी लोगों को पता होगा, पुराने वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो जो शनिदेव हैं वो 5 जून को वक्री हो जाएंगे वापस। अभी 29 अप्रैल को शनिदेव जस्ट निकले थे और ये कुंभ में आए थे, और कुंभ में आते ही अपनी नीच दृष्टि डाले थे। और बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, उनका जब मैं कंसल्टेशन लिया हूँ उसमें वो सारी बातें सिद्ध हुई हैं जो बताई गई थी कि माता की तबीयत खराब हो सकती है, संतान की तबीयत अकस्मात प्रॉब्लम हो सकती है, प्रत्येक लगन पर मैंने बताई थी ये सब बातें गोचर में। और उसका रीज़न कोई बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी वाली बात नहीं है, सामान्य तरीके से भी देखा जाए शनि की जो नीच दृष्टि पड़ रही थी, ये नीच दृष्टि शनि की बर्बाद कर देने वाली दृष्टि थी निश्चित रूप से। और शनि की नीच दृष्टि अभी गोचर में चल भी रही है, और ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी। 5 जून के बाद ये वक्री डायरेक्शन में हो जाएंगे, और वक्री डायरेक्शन आपको पता होगा, वक्री शनि बहुत खतरनाक फल देते हैं। और वक्री शनि जब नीच दृष्टि भी देखेंगे और जब वक्री भी होंगे, तो आप एक चीज़ तो मान के चलिएगा, तूफान आएगा और चक्रवात, इतने तगड़े तगड़े चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे, और भूकंप की घटनाएं भी इस ड्यूरेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। वो डेट कौन कौन से होंगे सबका मैंने कैलकुलेशन किया है, लेकिन रीज़न आपको पता होना चाहिए मैं ऐसी क्यों बातें कर रहा हूँ। हवा में बात करने की मेरी कभी आदत नहीं है, और जब भी कोई बात करूँगा उसमें ग्रहों के जो गोचर हैं उसको ज़रूर मैं चेक करूँगा। तो शनिदेव की बातों से जो मैं आपको बता रहा हूँ, शनिदेव का जो भ्रमण है, इससे आप एग्री कर रहे होंगे। शनिदेव वक्र दृष्टि डालेंगे और नीच दृष्टि डालेंगे 6 जून के बाद, तो 6 जून से लेकर 12 जुलाई सबसे बड़े खतरे का समय, ये नोट कर लीजिएगा, 6 जून से लेकर 12 जुलाई तक सबसे बड़े खतरे का समय होगा। और इस समय जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी चक्रवाती तूफानों को लेकर, बारिश का मौसम आने वाला भी है और इस समय चक्रवाती जो तूफान होंगे, क्योंकि शनि जो होता है वायु तत्व होता है, ये सभी लोगों को पता होगा, वायु तत्व है और नीच दृष्टि डाल रहा है। आप खुद ही बताइए, वायु तत्व अगर नीच दृष्टि डालेगा, अच्छी दृष्टि डालता है तो
हवा जो होता है शानदार आता है, अच्छा लगता है लोगों को। और अगर नीच दृष्टि होती है मतलब उसी हवा में तेजी इतनी ज़्यादा आ जाती है, या तो हवा ज़ीरो हो जाता है, लेकिन हवा जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, स्पीड इसकी तेज रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ेगी और इस पे निश्चित रूप से परेशानी लोगों के लिए, आम जनता के लोगों के लिए बढ़ेगी और महंगाई अभी और चरम पे पहुंचेगी। पेट्रोल डीजल के जो रेट बीच में अभी रुक गए हैं ये फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी इसमें जो दूसरा टर्न जो है होने वाला है वो शनि जो होंगे 12 जुलाई को वापस अपने घर में चले जाएंगे। जब भी अपने घर में जाएंगे तो भी चैन से बैठने देने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितना नुकसान करके शनिदेव स्टार्टिंग में डेमो दिखा कर गए हैं, चाहे वो शेयर मार्केट या महंगाई की बात कर ले, इन सभी चीज़ों के लिए शनिदेव का ये केवल डेमो क्लास। असली लड़ाई तो शनिदेव की बची हुई है और जिन लोगों पर जिस भी प्रकार का संकट आया हो, चाहे वो आर्थिक संकट आया हो, चाहे शारीरिक संकट आया हो, चाहे मानसिक रूप से संकट आया हो, ये सभी संकट केवल आप डेमो के रूप में समझिए और ये वापस एक्चुअली में प्रभाव करेंगे जब ये पुनः कुंभ में प्रवेश करेंगे जनवरी 2023 में। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट और 29 तारीख ऐसा डेट है 29 जुलाई जिसमें बृहस्पति देव भी मीन में वक्री हो जाएंगे। और मेरे शायद उस कविता को आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मैंने 2014 में ही भविष्यवाणी कर दिया था, जिसमें प्रलय काल का वीडियो भी था। जो लोग जिनको नहीं पता है मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको कर दे, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पर सारी भविष्यवाणी पेस्ट हुई है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसे मैंने ज़रूर ये बोला था जब तक शनि, जब तक गुरु वक्री रहेंगे, जब तक गुरु वक्री रहेंगे शनि भी वक्री रहेंगे और गुरु भी वक्री होंगे, इसको लेकर क्या रिजल्ट पड़ेगा उसको मैंने उस कविता के माध्यम से बताया था। जब तक शनि वक्री रहेंगे गुरु को नॉर्थ ईस्ट में परेशान करेंगे और चारों तरफ तूफान मचेगा, ये सारी चीज़ें मैंने उस कविता में लिखा हुआ है। और कविता का जो लय होता है वो इस समय बना नहीं पा रहा हूँ मैं, और उस कविता को आप जब देखिएगा पूरा का पूरा आपको उस वीडियो में दिखाई देगा। नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आएगा, नॉर्थ ईस्ट में परेशानी ज़्यादा आएगी, ये कन्फर्म है। ये प्रिडिक्शन जो है 5 जून के बाद बहुत तेज़ी से और 12 जुलाई तक के लिए है। ओवरऑल मैं जुलाई के एंड तक बात किया जाए, 29 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलते हुए दिखाई देगी। तो सबसे पहला जो प्रिडिक्शन है महंगाई पर, तो महंगाई ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये महंगाई बढ़ेगी और इस महंगाई में और ज़्यादा वृद्धि होगा। और ये जितने केसेस निकल के आ रहे हैं, चाहे वो ज्ञान व्यापी जो अभी केस चल रहा है या ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए जो एक प्रकार का डिस्प्यूट सा अकस्मात सामने आया है, ये अभी और भी खुलकर बाहर आएगा। और 29 जुलाई तक का जो मैं डेट दे रहा हूँ इसमें महंगाई भी ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरी भविष्यवाणी है ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है जिसमें पुरातत्व विभाग का भी सहयोग लेना पड़ रहा है, ये सभी चीज़ें चलेंगी। तीसरी भविष्यवाणी है कि इसी ड्यूरेशन में चक्रवाती तूफान एक के बाद आएंगे और इस बार का जो चक्रवाती तूफान है वो सिंपल नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। कई फ्लाइट्स को भी अपने अंडर ले सकता है, यानी फ्लाइट से ट्रैवलिंग करना भी इस ड्यूरेशन में कुछ दिनों में, मैं उसको भी अपडेट कर दूंगा कौन कौन से डेट निकल के आ रहे हैं जिसमें खतरनाक हो सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक लोग जो हैं वो डेट पहले से अलर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं भी एस्ट्रोलॉजिकली जो दिख रहा है मैं आपको पहले ही अलर्ट करूंगा। विमान दुर्घटनाएँ होंगी, इसके अलावा क्योंकि इस बार का जो चक्रवाती तूफान रहेंगे वो भूकंप को तो डेवलप करेंगे, भूकंप तो आएगा ही नेचुरली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भूकंप वैसे भी आते हैं, लेकिन भूकंप की तीव्रता 6.5 से ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ, 6 या 6.5 के आसपास का भूकंप आना और नॉर्थ ईस्ट में आना और 5 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच में आना, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और ये सभी प्रिडिक्शन गोचर में और मेदिनी को लेकर मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ। और निश्चित रूप से एक यहाँ पर मैं डरा नहीं रहा हूँ, एक खतरनाक समय आ रहा है और अगर खतरनाक समय है तो अलर्ट हो जाइए, किसी भी प्रकार के नए निवेश से बच के रहिएगा। नंबर 1, किसी प्रकार की जॉब को स्विच करना हो,
किसी भी प्रकार के नए कार्यों को करना हो अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा टाइम आएगा जिसमें काफ़ी तबाही आपको देखने को मिलेगा, और ये तबाही भारत में भी हो सकता है, भारत के बाहर भी हो सकता है। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट का जो साइड रहेगा और वेस्ट का जो साइड रहेगा, ये दोनों पोर्शन बहुत तेज़ी से परेशान करेंगे। अग्नि ने अपना काम कर चुका है, और अग्नि देवता अगर आप देखिएगा, सूर्य उच्च के चल भी रहे थे और अब वृषभ में ये जाएंगे, और वृषभ में इनका राशि परिवर्तन ऑलरेडी कल ही हुआ है जस्ट, तो ये वृषभ में पहुंच चुके हैं। तो वृषभ के जो सूर्य रहेंगे अब गर्मी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे। 50 डिग्री का टेम्परेचर तो ऑलरेडी टच कर गया, जो कि एक रिकॉर्ड है, और महंगाई इतने चरम पे चल रही है, और ऐसा नहीं है केवल अपने देश में ही चल रही है, हर जगह चल रही है, ग्लोबली संकट है ये पूरा का पूरा। और शनि जब भी मूल त्रिकोण में जाते हैं परेशान करते हैं। तो ये 29 अप्रैल और जुलाई, मई, जून जुलाई की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दो महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर जो होने वाली है, एक तो शनि वक्री होंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे, और दूसरा जो है 29 जुलाई। पुनीत शर्मा जी पूछ रहे हैं कि आपने रशिया यूक्रेन युद्ध की 6 जुलाई की बोली थी। देखिए पुनीत जी, मैंने अपडेट किया था कि 6 जुलाई वाला प्रेडिक्शन सही नहीं गया था, तो इसलिए ये प्रेडिक्शन मैंने बताया था 12 जुलाई का डेट दिया था, 12 जुलाई को जाकर ये शांत होगा। तो 12 जुलाई तक का डेट क्यों दिया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 12 जुलाई तक ही ये वक्री रहने वाले हैं, और वक्री होकर ये जब पीछे जाएंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे, तो युद्ध की स्थिति ऑलरेडी बनेगी। और मेदिनी के हिसाब से भी अगर आप चेक कीजिएगा, जो जो दृष्टि पड़ रही है वो एकदम यूरोप वाला पोर्शन पड़ रहा है। मेदिनी में क्या होता है, आप पूरा चार्ट जैसे पूरे वर्ल्ड का आप मैप ले लीजिए, उसमें प्रत्येक राशियाँ डिवाइड हो जाती हैं, तो एक्चुअली मेष में नीच की दृष्टि पड़ती है, और जो मेष का जो एरिया है वो यूरोप का एरिया है, तो इसलिए यूरोप वाले एरिया पे सबसे ज़्यादा संकट तभी से मचा हुआ है। इसके अलावा बृहस्पति देव 29 जुलाई तक जाएंगे, वक्री हो जाएंगे मीन में, तो प्रभाव धीरे धीरे ये कमज़ोर होगा, लेकिन फिर भी ये जो दो महीना है ये रेड अलर्ट है, और बहुत तगड़ा वाला रेड अलर्ट है, इसमें किसी प्रकार का जोखिम नहीं लीजिएगा। अब आपके कुछ प्रश्न जो लगातार आप पूछ रहे थे, और एक चैटिंग में जो आप लगातार पूछ रहे थे, शिव कुमार जी ने पूछा है गोल्ड क्या 60,000 या 65,000 हो सकता है। देखिए 60,000 या 65,000 निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है आप पूरी बात को सुन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग अधूरी बातों को सुनकर फिर आप लगातार कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बोला 55,000 अगर ये क्रॉस कर गया, अगर ये 55,000 क्रॉस कर गया तो 60-65 जाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने क्रूड ऑयल में बोला था, अगर ये 90 क्रॉस कर गया तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा $100 $130 तक पहुँचने में, और एग्जैक्टली $130 हुआ था, और ये भी मैंने अप्रैल की भविष्यवाणी में बोला था। निफ्टी का बॉटम कब बनेगा, 15,400 है अंकित जी, 15,400 कल के वीडियो में भी बताया था कि 15,400 तक ये नीचे की ओर, और ऊपर की ओर 16,500 तुरंत ये पहुंचेगा। और चाइना 7 टुकड़ों में कब टूटेगा ये अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। इनफैक्ट चाइना के टुकड़ों की बात, पीओके कब वापस आएगा, इस पर मैंने कभी भी कोई प्रिडिक्शन नहीं दिया है। विपुल जी पूछ रहे हैं गुरु जी विस सेक्टर विल डू वेल इन 1 ईयर फॉर द इन्वेस्टमेंट, मतलब इन द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर विस सेक्टर विल गिव यू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देखिए टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा सेक्टर है, और रेट्स भी काफ़ी कम आ गए हैं, तो मैं देख रहा हूँ 29 जुलाई तक जो है टेक्नोलॉजी बूम करना स्टार्ट कर जाएगा बहुत तगड़ा। और थोड़ा सा ये मंदी का समय अभी भी है, आप बॉटम पे खरीदते रहिए, और बॉटम आउट होने वाला है बस शेयर मार्केट, और इससे ज़्यादा ये गिरता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। 15,400 तक का मेरा टारगेट है, वहाँ तक ये आ सकता है, इसके ऊपर ही ये जाएगा। रियल इस्टेट में बहुत अच्छा प्रभाव इस समय भी नहीं दिखाई देगा, शनिदेव साक्षात शनि का काम है रियल इस्टेट का, लोहे का काम, मेटल का काम, ये सभी साक्षात शनिदेव का काम है, और इन सभी चीज़ों में तेजी तब तक बनी रहेगी जब तक ये परेशान रहेगा। ज्ञान व्यापी केस के लिए क्या होगा, मुकुल गुप्ता जी पूछ रहे हैं, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा लगातार 15 दिनों से मैं वीडियो नहीं पोस्ट किया था, पिछले 2-3 दिनों से मैं लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग पे था तो मुझे रिसर्च करने का टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैं ट्रैवलिंग पे नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़रूर बताऊँगा।
और पुनि शर्मा जी एक बार और पूछ रहे हैं क्रूड ऑयल का लेवल, तो देखिए क्रूड ऑयल 118 का टारगेट अपर बना कर रखी है, अभी भी $118 टच कर सकता है, और अगर ये 118 को क्रॉस कर गया तो सीधा 140 पे जाकर रुकेगा, अकस्मात एकदम भाग जाएगा ये, और ये अगर 118 नहीं टच करता है, जिसकी संभावना मुझे कम लग रही है, 118 ये टच कर जाएगा और उसके बाद ये नीचे की ओर $100 से नीचे ये नहीं जाएगा इस साल, आप इसको नोट कर लीजिए, $100 से नीचे इसका आना बहुत मुश्किल है, $90 नॉट $100 नहीं कर रहा हूँ, $90 के नीचे ये नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी जून और जुलाई से रिलेटेड 5 भविष्यवाणी है, जिसमें अर्थव्यवस्था अर्थात महंगाई के बारे में, मौसम के बारे में, चक्रवाती तूफानों के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, कमोडिटी मार्केट के बारे में, इन सभी चीज़ को मैंने अपडेट किया हुआ है, और हवाई दुर्घटना होने के चांसेस, भूकंप के आने के चांसेस, ये सभी चीज़ें होंगी, और उसका दो प्रभाव जो सबसे बड़ा रहेगा वो केवल और केवल शनिदेव का वक्री होकर नीच दृष्टि से देखना, और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे 29 जुलाई से। तो ये था पूरा अभी आने वाले समय की 5 भविष्यवाणियाँ, आने वाले समय में इसको सत्य आप ज़रूर देखिएगा, जैसे जैसे ये सत्य होगा मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।